नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरें। आज की पहली अपडेट है कि राजस्थान भाजपा की नई टीम का ऐलान। वसुंधरा राजे समर्थकों को टीम में नहीं मिली जगह। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा की टीम में बदलाव हुआ है। सीपी जोशी ने अपनी नई टीम में 10 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए हैं। इस नई टीम में कुछ बदलाव किए गए तो कुछ नए चेहरों को शामिल कर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। नई टीम के विस्तार में 10 उपाध्यक्ष, 5 महामंत्री, 13 प्रदेश मंत्री, एक कोषाध्यक्ष और एक सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ऐसी मोर्चा ने भी अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। नई टीम की खास बात यह है कि इसमें वसुंधरा राजे समर्थकों को जगह नहीं मिली है। गहलोत बोले, हिंदुओं राम भक्तों को बांट रही बीजेपी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी के अहम और घमंड की अति हो गई है। बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे हम राम भक्त नहीं है। गहलोत ने कहा, आप होते कौन हो ये कहने वाले कि आप राम भक्त हो कि नहीं? आपको ये लाइसेंस किसने दिया कि आप कहो कि राम भक्त नहीं हो? हर गांव में हनुमान जी, राम और शिव जी के मंदिर बने हुए हैं, सब लोग आस्था रखते हैं। गोगा मेडी की पत्नी की न्याय यात्रा शुरू, बच्चियों के साथ महिलाएं शामिल। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगा मेडी की मौत के बाद उनकी पत्नी शीला शेखावत ने हनुमानगढ़ से जयपुर के लिए पैदल न्याय यात्रा निकाल रही है। दरअसल सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ शीला शेखावत के प्रतिनिधियों की 20 मिनट चली वार्ता बेनतीजा रही। वार्ता के विफल होने के बाद यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया गया। गोगा मेडी की पत्नी ने सीएम हाउस में जौहर करने की चेतावनी दे रखी है। इसके कारण पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया बड़ा ऐलान। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य में कुछ टीचर्स शिक्षा के मंदिरों को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी फिलहाल नहीं है, लेकिन साल डेढ़ साल में नीति बनाई जाएगी। राजस्थान में मार्च महीने में कम पड़ेगी गर्मी, बारिश की संभावना ज्यादा। इस सीजन मार्च में गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावनाओं को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके कारण मार्च में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। तेज गर्मी का एहसास मार्च के तीसरे सप्ताह के आखिरी से होने की संभावना है। बिजली बिल जमा नहीं करवाने पर कटेगा कनेक्शन। आपने डिस्कॉम का बकाया बिजली बिल जमा नहीं करवाया है तो अब सावधान हो जाने की जरूरत है। बिल न जमा कराने पर आपके घर का बिजली कनेक्शन भी कट हो सकता है। जोधपुर डिस्कॉम की ओर से सिटी सर्किल में बकाया वसूली को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। करीब 80 करोड़ की बकाया वसूली के लिए अब डिस्कॉम ने सख्त कार्यवाही करना भी शुरू कर दिया है। सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निकाली गई सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती के लिए 4 मार्च यानी आज से आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के 186 निकायों के लिए 24,797 पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी किया। इसमें अजमेर में 650, ब्यावर में 177, किशनगढ़ में 81, केकड़ी में 74, पुष्कर में 68, सरवाड़ में 47, विजयनगर में 70 पदों पर भर्ती निकाली गई है। भर्ती प्रक्रिया 4 मार्च से शुरू होगी और 24 मार्च की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। टोंके जिले में बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों का लिया जायजा। 2 दिन बेमौसम बारिश से हुए फसल खराबे का रविवार को कृषि विभाग के अफसरों ने निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों से भी बातचीत की और उन्हें फसल खराबे के क्लेम पाने के लिए 72 घंटे में टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराने समेत अन्य जानकारियां दी। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1 किलो सोना। कस्टम विभाग ने रविवार को 2 अलग अलग कार्रवाई में तस्करी का 7.5 किलो सोना जब्त किया। पहली कार्रवाई जयपुर एयरपोर्ट पर की गई। सुबह मस्कट की फ्लाइट से आए शेखावाटी निवासी यात्री की जांच में मोजे के अंदर पेस्ट फॉर्म में सोना बरामद किया। उधर जोधपुर में भी एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मुंबई से तस्करी कर राजस्थान ला रहे 4 करोड़ रुपए के सोने के साथ 2 लोगों को कस्टम विभाग ने जोधपुर में गिरफ्तार किया है। पहली बार एक साथ ताकत दिखाएगी तीनों सेनाएं। जैसलमेर जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में भारत की तीनों सेनाएं सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में 12 मार्च को भारत शक्ति नाम से इस युद्धाभ्यास को किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में तीनों सेनाएं भारत में निर्मित हथियारों की ताकत का प्रदर्शन करेंगी। भारतीय सेना की इस ताकत को देखने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 12 मार्च को पोकरण आ सकते हैं। राजस्थान बोर्ड के रनिंग सब्जेक्ट की परीक्षा शुरू। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 की रनिंग सब्जेक्ट परीक्षाओं का श्री गणेश सोमवार से हुआ।
क्लस्टर बॉली में आज अंग्रेजी विषय के पेपर के साथ ही परीक्षाएं शुरू हुई। हालांकि वर्ष 2024 की RBSE परीक्षाओं का श्री गणेश 29 फरवरी से हुआ था। इस दिन मनोविज्ञान के पेपर के साथ हुआ था, लेकिन रनिंग सब्जेक्ट्स परीक्षाएं आज से शुरू हुई। किरोड़ी लाल मीणा पत्रकारों की मांगों पर मुख्यमंत्री से करेंगे चर्चा। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि पत्रकारों की सभी समस्याओं का समाधान शीघ्र ही किया जाएगा। वे पत्रकारों के वकील बनकर मुख्यमंत्री से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भारतीय प्रेस पत्रकार संघ के अध्यक्ष अभय जोशी ने इस अवसर पर पत्रकारों की विभिन्न समस्याएं बताते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने, पत्रकार आवास योजना का शीघ्र निस्तांतरण, छोटे और लघु अखबारों को नियमित हर माह 2 पेज विज्ञापन जारी करने, पत्रकारों को राजस्थान रोडवेज की बसों में देश भर में निःशुल्क यात्रा सुविधा, रेलवे में पत्रकारों को 70% छूट, वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन सहायता राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए करने और पत्रकारों को सभी निजी व सरकारी अस्पतालों में 5,00,000 तक की कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान करने सहित अन्य मांगे रखी। राशन की दुकानों में गेहूं की घटतौली का खेल खत्म। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जुड़े लोगों को हर माह मिलने वाले राशन के गेहूं में घटतौली से निजात दिलाने के लिए खाद्य विभाग इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन को पॉस मशीन से जोड़ा जा रहा है। इससे राशन वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बन जाएगी। जयपुर, दूदू व जयपुर ग्रामीण जिले के क्षेत्र में कुल 1941 राशन की दुकानें हैं। इन दुकानों में ई पॉस के साथ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगानी है। इनमें से अब तक 582 राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीनें लगाई गई है। बाकी दुकानों पर अगले 1 माह तक लगाई जाएगी। कांग्रेस की पहली सूची का ऐलान जल्द। लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर भाजपा ने चुनावी तैयारियों में कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। वहीं बीजेपी ने राजस्थान में 25 सीटों में से 15 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अब कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का इंतजार है। इसमें करीब 5 से 8 दिन का समय और लग सकता है। उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति CEC की पहली बैठक इस सप्ताह के अंत तक होने की संभावना है। खुश खबर, रेलवे ने कोरोना काल में बंद के पैसेंजर टिकट पुन शुरू कर दिए हैं। ऐसे में लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही आसपास से रोजगार के लिए उदयपुर आने वाले लोगों के मासिक पास भी कम रुपए में बन पाएंगे। रेलवे ने पैसेंजर टिकट की सुविधा 3 मार्च से पुनः लागू कर दी है। उदयपुर से मावली मेल एक्सप्रेस में 30 रुपए का किराया लिया जाता है। पैसेंजर ट्रेनों में पैसेंजर टिकट लेने पर अब 10 रुपए ही लगेंगे। इसी प्रकार चित्तौड़ तक के मेल एक्सप्रेस में 55 रुपए का टिकट बनता है, जो पैसेंजर ट्रेन में अब 25 रुपए ही लगेगा। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।